कि सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक धोबी वाला वाकया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है और उस वाकये को आड़ बनाकर अहले सुन्नत व जमात पर और सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतराज किया जा रहा है। गौसे पाक के धोबी वाला जो वाकया है कि जब वो कब्र में गया तो उससे सवाल किए गए तो सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कह दिया मैं तो गौसे पाक का धोबी हूं। तो याद रहे कि ये जो वाकया है हमारे उलमाए किराम ने इसका रद्द फरमाया है। जैसे कि शारे बुखारी मुफ्ती शरीफ अल-कमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा के अंदर ये बात लिखी है कि ये वाकया उनकी तरफ झूठा मंसूब है और इसी तरह सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ और भी बहुत सारे वाकयात झूठे मंसूब किए गए हैं। हमारा ये मौकफ है कि जो करामत सरकारे गौसे पाक की या किसी भी अल्लाह के वली की हमारे सामने आएगी हम देखेंगे अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ हमें नजर आएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की ये फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 है और सफ़ा नंबर भी 629 है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से सरकारे गौसे पाक की एक करामत के बारे में सवाल हुआ। वो करामत क्या है कि सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद इंतकाल कर गया, उसके घर वाले गम से निढाल हो गए तो सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि इसकी रूह वापस कर दो। तो वो कहने लगे कि मैं तो अपने रब की बात मानता हूं तो मैं रूह वापस नहीं कर सकता। तो आगे ये झूठ गढ़ा गया कि सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को माज़ल्ला थप्पड़ मारा और उससे रूह वाला थैला छीन लिया। अब ये वाकया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया क्या ये वाकया सच है या झूठ है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और ये रिवायत इबलीस की घड़ी हुई है और इसका पढ़ना और सुनना दोनों हराम है। अहमक जाहिल बेअदब ने यह जाना कि वो इसमें सरकारे गौसे आदम की तादीम कर रहा है इस रिवायत को बयान करके, हालांकि वो हुजूर की सख्त तोहीन कर रहा है। किसी आम मुसलमान की इससे ज्यादा तोहीन क्या होगी कि माज़ल्ला उसे कुफर की निस्बत की जाए, ना कि महबूबान इलाही सैयदना इज़राइल मुरसलीन मलाइका में से हैं और मुरसलीन मलाइका बिल इजमा तमाम गैर अंबिया से अफजल वाला है। किसी रसूल के साथ ऐसी हरकत करना तोहीन रसूल के सबब माज़ल्ला उसके लिए बायस कुफर है। यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम मुरसलीन मलाइका में से हैं, रसूल हैं, तो उनके साथ ऐसा मामला करना तो तोहीन रिसालत और कुफर है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत बिल्कुल इबलीस की घड़ी हुई है और इसका पढ़ना और सुनना बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो इसलिए जितनी भी करामत हमारे सामने आएंगी हम देखेंगे कि अगर वो करामत कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है तो हम उसकी तस्दीक करेंगे वरना हम उसको रिजेक्ट कर देंगे।